नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में यूनिक ऑनलाइन गुरु में। मित्रों, बहुत दिन से हमारे सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर हमें अपार आईडी क्या बनानी है, या अपार आईडी है क्या, हमें ओ लेवल जैसा क्या रिलेवेंस है, नाइलेट क्यों कंपलसरी कर दिया अपार आईडी को बनाना। तो वो सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मस्त तरीके से। आज आप लोगों को प्रिंस सर सिखा देंगे कि क्या है आपकी अपार आईडी और अपार आईडी कैसे बनता। सबसे जरूरी तो ये है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं सर कैसे अपार आईडी बनता है, और साथ में सबसे मजेदार बात इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इतनी बातें जान लिए आज, तो हमें सिर्फ इसकी जरूरत ओ लेवल में ही पड़ रही है। बाकी आने वाले, आपको शायद जान के थोड़ी सरप्राइजिंग होगी कि आने वाले सभी एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जानते हैं प्रिंस सर से अपार आईडी का डिटेल, और आज वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे इसे करना है और क्यों करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, हमें आशा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूनिक ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। तो आजकल बहुत समस्या आ रही है कि अपार आईडी कैसे बनेंगे, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत लोग कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग कोचिंग में आ रहे हैं कि सर कैसे बनेगा, बनवाइए। तो आज हम सिखाने वाले हैं, क्या आपको आज सिखाएंगे कि अपार आईडी कैसे बनेगी। ठीक है, कैसे, अपार आईडी क्या है, सबसे मेन चीज है अपार आईडी है क्या, इतनी जरूरत क्यों पड़ गई एक इमरजेंसी में। सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बहुत दिन से चल रहा, 3-4 दिनों से, ऐसा क्या हो गया कि अपार आईडी ज्वाइन करना जरूरी हो गया। तो आज हम बताएंगे अपार आईडी क्या है, अपार आईडी कैसे बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपार आईडी कैसे बनता है, एकदम स्टेप वाइज सब कुछ हम आपको सिखाएंगे कि अपार आईडी कैसे बनता है। भैया नेक्स्ट है, अपार आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है, अपार आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले एक चीज सीखते हैं कि अपार आईडी क्या है। ठीक है, तो अपार आईडी के बारे में जानते हैं कि अपार आईडी है क्या। तो हम बता दें आपको, अपार आईडी हमारे केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा भैया, केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री द्वारा लागू किया गया है क्या अपार आईडी। जिस तरीके से आप लोगों का आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, आपके बारे में नाम, पापा का नाम, घर, पिन कोड, मोबाइल नंबर, हर एक चीज होता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपका डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर में क्या होता है, एक दिन हम आप लोगों को वीडियो लेके आएंगे डिजी लॉकर का भी, डिजी लॉकर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आज अपार आईडी पहले सीखते हैं क्या है अपार आईडी। अपार आईडी में क्या होता है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं, उसका रख सकते हैं डॉक्यूमेंट। किसका, अपार आईडी में आपके क्वालिफिकेशन के बारे में होता है। ओके भैया, चलिए अब ये तो समझ में आ गया कि अपार आईडी क्या है। अब नेक्स्ट चीज कि अपार आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बाद कैसे बनता है, उसको स्टेप वाइज बताते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी ये हम आपको बताएंगे कि अपार आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, अपार आईडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट बहुत लगते हैं, आज आप निवास लगते हैं, तो ये कागज, तो वो कागज, बहुत झमेला होता है। अपार आईडी बनवा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा चीज, ठीक है, अगर आपको सरकारी लोन लेना, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, एजुकेशन वाला लोन लेना पड़ गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अपार आईडी बना है तो उसमें सब कुछ तो आपका पूरा पूर्ण रूप से भरा रहेगा, तो उसके से भी नहीं दिक्कत है। ठीक, आप लोन भी ले सकते हैं, किस पे, अपने किसी भी एजुकेशनल पे। इसी तरीके से जो भी आपको शिक्षा से सेवाएं, जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं मिलती है शिक्षा पे, सब कुछ आपको अपार आईडी से मिल जाएगी। समझ गया इंपॉर्टेंट तो बहुत भी। अब सोचिए, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, एक ये भी है, तो अपार आईडी बनाना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी अन्य स्कूल, जैसे आप इंटर पास करने के बाद बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, एमए करेंगे, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस लिए, जब आप अपार आईडी बनाए रहेंगे पहले से, तो बनाना भी इंपॉर्टेंट है। कभी आपको स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ी तो आप अपार आईडी ले जाइए, दे दीजिए, बात खत्म। कोई भी आपको लोन वगैरह लेना है सरकार जो है अपने एजुकेशन पे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भैया, तो ये आपके इंपॉर्टेंट्स है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, इस तरीके सरकारी योजनाएं अगर कोई भी शिक्षा के ऊपर चालू होती है तो वो भी आपको मिलेगी अपार आईडी पे, टोटल सब। अब बात होती है कि अपार आईडी बनेगा कैसे। ठीक है, कैसे बनेगा क्या भैया अपार आईडी, बहुत अच्छा स्टेप वाइज। देखिए, अपार आईडी में सबसे पहला चीज क्या है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको वो नंबर लेना है, कौन सा नंबर, जो आपका आधार कार्ड से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। किससे भैया, आधार कार्ड से। ठीक है, किससे, आधार से लिंक होना चाहिए, किससे, आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा, नंबर और आना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऐसा क्यों, ये भी एक क्वेश्चन बनता, क्यों, क्योंकि उसी पे आपका जाएगा क्या, ओटीपी। क्या जाएगा भैया, ओटीपी जाएगा, तो जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो जरूर अपना, अगर नंबर नहीं लिंक करवाए होंगे आधार कार्ड में, तो अपना पर्सनल नंबर करवा लीजिएगा। मम्मी पापा बाबू सोना का मत करवाइए, क्यों जानते हैं, क्योंकि मैसेज उस पे जाएगा, तो मैसेज जाएगा तो दिक्कत होगी, 4-5 बार मैसेज जाता है, फोन करना पड़ेगा बार बार, तो ऐसा कार्य ना करिएगा। तुरंत आप क्या करिएगा, अपना अभी टाइम है, आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिएगा। ओके भैया, तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि कैसे बनता है। ओके भैया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। किसको? गूगल क्रोम, जो भी है गूगल, जो भी आपके में वेबसाइट रहेगी सर्च इंजन की, उसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद आप इस पे क्या लिखेंगे पता है? लिखना है आपको, ठीक, लिखना एबीसी, एबीसी आईडी कार्ड आ गया, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, एबीसी वाले फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप कुछ नहीं करना, अब देखिए क्या करना है, माई अकाउंट दिख रहा भैया, माई अकाउंट पे क्लिक करिए। आप हैं क्या स्टूडेंट है ना, तो किस पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे क्लिक करते ही आपको दिख गया होगा तीन ऑप्शन, मोबाइल, यूजर नेम, अदर। क्या क्या भैया? मोबाइल, यूजर नेम, अदर। अगर आपका पहले से डिजी लॉकर बना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिजी लॉकर को बनाना पड़ेगा। तो अगर बना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर या यूजर नेम या तो आधार कार्ड, ठीक है, क्या क्या आधार में है, आधार कार्ड, पेन, ड्राइवरी लाइसेंस, ठीक है, या आधार कार्ड, ठीक है भैया। तो अगर नहीं बना होगा डिजी लॉकर, तो वो भी आज हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, डिजी लॉकर को भी बना सकते हैं। तो आप न्यू यूजर हैं, पहले तो बनाए नहीं होंगे, न्यू यूजर है तो साइन अप करेंगे, क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, ठीक है। तो साइन अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालिएगा, ठीक, उसके बाद दे रहा है जनरेट ओटीपी, एक ओटीपी गई होगी, जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसी पे ओटीपी जाएगी, ठीक है। ठीक है भैया, ओटीपी आ चुकी है 5821, ओके, वेरीफाई कर दीजिए, आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब क्या रहेगा, फुल नेम, ठीक, आप नाम लिखना पड़ेगा इस पे, ठीक है, क्या नाम रहेगा देखिएगा, नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद अब डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद मेल कर दीजिएगा, यूजर नेम यूजर नेम रहने दीजिएगा, सीधा क्या डालना आपको, पिन डालना है, ठीक है, पिन अपना आप जनरेट कर लीजिएगा, जो भी आपका पिन रहेगा उसको जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है। छह अंक का चाहता है, ठीक, छह अंक का चाहिए, ठीक भैया। उसके बाद नेक्स्ट करिए, ये यूजर नेम भी आप डाल दीजिएगा, सेलेक्ट टाइप, ठीक है, आधार कार्ड, क्या डालना है, आधार कार्ड। उसके बाद आधार का नंबर भी डालना पड़ेगा भैया, क्या आधार का नंबर भी आपको डालना पड़ेगा, चलिए आधार नंबर डाल दीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम लिख दीजिएगा, ओके, अब वेरीफाई कर दीजिएगा, ठीक, ठीक है। पहले से लॉगिन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो फिर आप लॉगिन करिएगा, ओके भैया। अब क्या करना है, आधार नंबर डालें, पिन डालिए, पिन अगर आपको नहीं, कई लोग होते हैं ना कि भूल जाते हैं पिन, अगर भूल गए तो फॉरगेट कर दीजिए, क्या करना है, फॉरगेट। और क्या, किस पे मैसेज करना चाहते हैं, मोबाइल या आधार, जो भी है, तो आधार पे करना है या मोबाइल पे करते हैं, मोबाइल, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर जो रहेगा वही नंबर लिखिएगा, ठीक है, लिखते हैं, ठीक, ओटीपी गई होगी, आप फिर ओटीपी इस पे इंटर करेंगे, पिन बना दीजिएगा अपना, आधार नंबर डालिएगा आपसे रिसेट करने के बाद, उसके बाद दोबारा एक बार आपकी ओटीपी जाएगी, फिर आप लॉगिन करिएगा ओटीपी डाल के, ठीक हो गया। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, आपका बन गया, अब देखिए कुछ नहीं करना, सीधे अब पर्पज, किस पर्पज पे, तो एजुकेशनल, देखिए अलग अलग पर्पज दिया, जिस पर्पज पे आपको बनाना होगा एजुकेशनल करना है, अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अलाउ करने के बाद अब क्या कर रहा, टेक सेलेक्ट आधार करके प्रोसीड कर दीजिए, क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है भैया, क्या करना, प्रोसीड पे एक बार और वेरीफाई मांग रहा है, ठीक है, एक बार और वेरीफाई इसको कर दीजिएगा, केवाईसी करने के लिए, किसी किसी में मांगता है, किसी किसी में अगर पहले से आप केवाईसी किए रहेंगे तो नहीं मांगेगा, ठीक है, ओके भैया, आधार नंबर, ठीक, ओटीपी जाएगी एक बार और, 3 2 प्लीज वेट, ठीक है, वेट करिएगा, आपकी क्या बन जाएगा, अपार आईडी बन जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, इतना कार्य आप लोग कर लेंगे, बहुत खुशी खुशी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, जानते हैं क्या करना है, सेलेक्ट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन रोल नंबर है तो है, तो ठीक है, नहीं है तो नन क्लिक कर दीजिए, क्या नन, उसके बाद सबमिट कर दीजिए, क्या करना, सबमिट, लो भैया
आ गया क्या अपार आईडी नंबर, ये रहा आपका क्या भैया अपार आईडी नंबर, और तुरंत इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जहां पर भी लगेगा आप जमा कर। लेकिन कई लोगों के मूड में आएगा सर ये तो फोटो वोटो नहीं आया, कई लोगों ने फोटो देखे, तो क्या करना गो टू डैशबोर्ड। ठीक है भैया आ गए, आ गया भैया लो आ गए। ठीक है जिसका भी रहेगा उसका तुरंत आ जाएगा। देखिए एबीसी कार्ड आ गया, पूरा आशुतोष नाम दिया है और अपार आईडी का नंबर दिया है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद ले जाकर कहां दे दीजिए जहां पर भी लग रहा है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट से आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं दे सकते हैं जो भी करना। ओके भैया हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है हमारी जहां तक आपकी सहायता रहेगी सहायता करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा, बहुत मजेदार से आपको बताएं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है आप देखिएगा अगर आपका पहले से बना होगा तो आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर, अगर नंबर नहीं याद होगा ठीक है पिन कोड नहीं याद होगा तो आप फॉरगेट कर दीजिए। क्या करेंगे भैया फॉरगेट करके दोबारा पिन बना लीजिएगा, ओटीपी 3 से 4 बार आप भी देखें गई है, 3 से 4 बार ओटीपी जाएगी, उसके बाद आपका अपार आईडी बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है फिर मुलाकात करेंगे अब किसी और वीडियो के साथ, नए वीडियो और नए जोश नए उमंग के साथ। जय हिंद।